जय माता रानी की। समस्त साधकों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लेकर के आए हैं। जो भी साधक सूर्य भगवान की उपासना करना चाहते हैं, उनकी साधना करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को तीव्र करना चाहते हैं तथा अपने जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनसे वो मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार से आप सकारात्मक आपका जीवन है और नकारात्मक रूप से यदि आपके ऊपर कोई केस कर दे, कोर्ट कचहरी का आप चक्कर लगा रहे हों, तो आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके। इसमें नियम यह है कि आप प्रातः काल उठ करके और जब सूर्योदय होता है उसके पहले आप स्नान कर लें, संकल्प ले लें आप 11 दिन का 21 दिन का। स्नान करने के बाद पवित्रीकरण इत्यादि करके, आचमन करके और भगवान सूर्य भगवान का ध्यान करके और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र को अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम जी को श्रवण कराया था और भगवान श्री राम जी महाराज अपने जीवन काल में उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कई बार किया है, नित्य प्रति करते थे प्रातः काल में। तो भगवान श्री राम ने इस स्तोत्र का पाठ स्वयं किया है, इसलिए यह अपने आप में सिद्ध है। इसलिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, सबसे पहले विनियोग लेंगे, दाहिने हाथ में जल लेंगे, विनियोग पढ़ेंगे। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोगः। जल को छोड़ देंगे, उसके बाद न्यास करेंगे। ऋष्यादिन न्यास ओम अगस्त्य ऋषये नमः शिरसि, सिर का स्पर्श करेंगे। अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, अपने मुख का स्पर्श करेंगे। आदित्य हृदय भूत ब्रह्म देवतायै नमः हृदि, अपने हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम बीजाय नमः गुह्ये, पीठ के पीछे नीचे की ओर स्पर्श करेंगे। रश्मिमते शक्तये नमः पादयोः, अपने दोनों पैरों का, जंघों का, पैरों के पास, घुटनों के पास स्पर्श करेंगे। ओम तत्सवितुरित्यादिकायत्री कीलकाय नमः नाभौ, अपनी नाभि का स्पर्श करेंगे। इसके बाद करण न्यास करेंगे। ओम रश्मिमते अंगुष्ठाभ्याम नमः, अपने अंगूठे का स्पर्श करेंगे, अंगूठे से अंगूठे का स्पर्श कर सकते हैं। ओम समुद्यते तर्जनीभ्याम नमः, अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है तर्जनी उंगली, तर्जनी से तर्जनी उंगली का स्पर्श करेंगे। ओम देवासुर नमस्कृताय मध्यमाभ्याम नमः, मध्यमा उंगली का स्पर्श करेंगे, मध्यमा उंगली से दोनों हाथों की मध्यमा उंगलियों को आपस में स्पर्श करना है। ओम विवस्वते अनामिकाभ्याम नमः, दोनों अनामिका उंगलियों का स्पर्श करेंगे। ओम भास्कराय कनिष्ठिकाभ्याम नमः, दोनों कनिष्ठिका सबसे छोटी उंगली का स्पर्श करेंगे आपस में। ओम भुवनेश्वराय करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथों से अपनी समस्त उंगलियों का स्पर्श करेंगे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और दोनों हाथों को घुमा करके भी स्पर्श कर सकते हैं। उसके बाद हृदय न्यास करेंगे। हृदयादिन्यास
ओम रश्मिमते हृदयाय नमः। हृदय का स्पर्श करेंगे। ओम समुद्यते शिरसे स्वाहा। सिर का स्पर्श करेंगे। ओम देवासुर नमस्कृताय शिखाय वषट। अपनी शिखा का, अपनी चोटी का स्पर्श करेंगे। ओम विवस्वते कवचाय हुम। अपने दोनों हाथों को जैसे हाथ बांधते हैं उसी मुद्रा में अपने दोनों हाथों की बाजुओं का स्पर्श करना है। ओम भास्कराय नेत्रत्रयाय बहुषट। अपने सीधे हाथ में तर्जनी उंगली और कनिष्ठिका उंगली अर्थात अंगूठे से आगे सबसे पहली उंगली और सबसे छोटी उंगली लास्ट में, इन दोनों उंगलियों को बाहर निकाल के और बीच में दो उंगलियों को अंदर करके और अपनी दोनों आँखों में का स्पर्श करना है। ओम भुवनेश्वराय अस्त्राय फट। अपने सीधे हाथ को सिर के ऊपर से तीन बार घुमा करके और बाएं हाथ में ताली बजाना है एक बार। इसके बाद भगवान सूर्य देव को नमस्कार करके और एक बार गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करके और ध्यान करना है सूर्य भगवान का। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम घृणि सूर्याय नमः। इस प्रकार से सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे। अब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगम्या ब्रवीद्राम मगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपं नित्य मक्षयं परमं शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमन मायुर्वर्धनमुत्तमं रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यपांपतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः।
आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणा मधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः
मापत्सु कृच्छ्रेषु कांतारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन् नावसीदति राघव पूजयस्वै नमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि एवमुक्त्वा ततो गस्त्यो जगाम स यथा गतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधे भवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहिष्यमाणः निशिचरपति संक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॐ घृणि सूर्याय नमः। इस प्रकार से इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान सूर्य नारायण देव को आप अर्घ दे सकते हैं, थोड़ा सा जल लेकर के, और उसमें आप चाहे तो लाल रोली मिला सकते हैं और लाल पुष्प भी, गुड़हल इत्यादि के, गुलाब इत्यादि के, उस जल में डाल करके और भगवान सूर्य नारायण को आप ओम घृणी सूर्याय नमः यह करके कह करके और सूर्य अर्घ दे सकते हैं। भगवान सूर्य नारायण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस प्रकार से सभी साधकों के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया गया। जय माता रानी की।